आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला लेक्चर। अभी तक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में अपनी जो मेन रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रखी है, उसके बाद एडिशन रिएक्शन पढ़ रखी है, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रखी है। अब हम एक बहुत ही मेजर कैटेगरी ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक बार इसके पूरे बेसिक्स की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर सहारा लेता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शंस को समझाने के लिए एडिशन रिएक्शंस का। अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं कि आखिरकार हमारे पास एडिशन रिएक्शन क्या होती थी, तो आप बोलोगे सर हमारे पास कुछ इस तरीके से सब्सट्रेट होता था जहां पर एल्कीन होता था, एल्कीन पर अगर आप रिएजेंट का एडिशन करवाओगे कुछ इस तरीके से, तो आपके पास एक पाई बॉन्ड टूटेगी और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहां पर एक आप एक्स लगा दो और एक आप वाई लगा दो। अब कहां पर एक्स क्या वाई, ये हम सबने सारी बातें एडिशन रिएक्शंस में कर रखी हैं। लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हर बार क्या होता था, पाई बॉन्ड का ब्रेक होता था और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था और वहां पर एडिशन ऑफ रिएजेंट होता था। लेकिन अगर मैं इस ही रिएक्शन को जस्ट अपोजिट तरीके से देखना स्टार्ट करूं, मतलब मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं, तो अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूंगा, तो यहां से देखने पर हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि इस सब्सट्रेट से कुछ एलिमिनेट हो चुका है और वो जो कुछ है वो क्या है, आपके पास एक्स वाई है और वहां पर फॉर्मेशन क्या हुआ है, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन होती है। अब आपके पास दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि सर अच्छे से डिफाइन करो कि सब्सट्रेट क्या है, अच्छे से डिफाइन करो रिएजेंट क्या होगा, और फिर प्रोडक्ट का तो आपने बता ही दिया है एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये बात बताना बहुत जरूरी था क्योंकि आप लोग एडिशन रिएक्शन से बहुत ही फैमिलियर हो, तो एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा करेंगे तो उसी से क्या जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां से बात क्या निकल के आ रही है, यहां से बात ये निकल के आ रही है, यदि हम लोग दो सिग्मा बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होगा, वहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अगर हम वहां पर चार सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहां पर दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम थोड़ा सब्सट्रेट की बात करते हैं। देखो अगर हम सबसे पहले सब्सट्रेट की बात करते हैं, तो सब्सट्रेट यहां पर थोड़ा खास तरह का होता है। सब्सट्रेट में आपके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। आप सभी को लीविंग ग्रुप का आइडिया तो एकदम अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास यहां पर अटैकिंग रिएजेंट होगा वो यहां पर आपके पास बेस होता है, और बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस मैंने आपको बेसिक जीओसी में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। बेस दुनिया में क्या करने आया है, H+ खाने आया है। कौन सा H+ खाता है, बीटा H खाता है। तो अभी हम सारी बातें करेंगे कि बीटा H क्या होता है, अल्फा H क्या होता है, और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये सम टाइम एल्काइन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये बात हो चुकी है। यहां पर एक और बात गौर करने वाली है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसा है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पक्की बात है यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर हम लोग हीटिंग कंडीशन लेते हैं। ये जो मैं सिंबल दिखा रहा हूं ये सिंबल होता है हीट का, और जनरली आपको रिएक्शंस पे ये देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से हीटिंग सिंबल दिखा दूं तो आप समझ जाना यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। आपको इतनी सारी बात अच्छे समझ में आ रही है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने जब एडिशन पढ़ाया था तो वहां पर ड्राइविंग फोर्स बताया था कि आखिरकार यहां से ये प्रोडक्ट बनता है क्योंकि यह क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल रहा है। लेकिन सर आप जस्ट रिवर्स कर रहे हो, तो यहां पर रीजन क्या रहा होगा। तो सुनिए, हम लोग जिस सब्सट्रेट की जनरली बात करते हैं वो बहुत ही क्राउडेड होता है, तो क्राउडिंग की वजह से वो अनस्टेबल होता है, और अगर हम एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां से क्राउडिंग कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेरिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब
अभी आप अपना पूरा का पूरा ध्यान एलिमिनेशन रिएक्शंस को सीखने में लगाइए, एक एक रिएक्शंस को सीखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें मेजर पार्ट ऑफ हमें क्या पढ़ना है, और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन एक तरफ से करते चलेंगे। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ जाती है, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा कि आखिरकार एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब ही क्या होता है। देखो, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन तीन तरह की होती हैं। एक सबसे पहले होती है अल्फा एलिमिनेशन, सबसे पहले होती है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन, या फिर हम इसी को कहते हैं 1.1 एलिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास यहां पर क्या है, CH Cl Cl Cl। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो मैंने आपके सामने क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है CHCl3, और मैं यहां पर रिएजेंट ले लेता हूं OH- और यहां पर ले लेता हूं हीटिंग। अब यहां पर क्या होता है, OH- बेस होता है तो वो एसिडिक एच को हटाएगा, तो जब ये इस एसिडिक एच को हटाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपके पास फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा CCl Cl2, मतलब एक कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये कार्बीन कौन सी होगी, सिंगलेट कार्बन होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके पास एलिमिनेट हुआ है, क्या क्या हुआ है, एक तो H एलिमिनेट हुआ है और एक Cl एलिमिनेट हुआ है। ये कहां से हुए हैं, ये 1.1 पोजीशन से हुए हैं। बात समझ में आ रही है, ये कहां से हुए हैं, 1.1 पोजीशन से हुए हैं। ये भी आपके पास 1 पोजीशन है, ये भी आपके पास 1 पोजीशन पर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैं आपसे सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है, नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम कहते हैं 1.2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जिस तरीके से ऊपर वाले में जो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था वो एक ही पोजीशन पर था, तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पर प्रेजेंट हो गए। जैसे इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा समझाता हूं, यहां पर आपके पास क्या होगा H, यहां पर आपके पास क्या होगा Cl, ठीक है। अब अगर मैं जरा ध्यान से देखूंगा तो जो Cl वाली पोजीशन होती है ये होती है 0, जो भी फंक्शनों की पोजीशन होती है वो 0 होती है, और यहां पर ये जो पोजीशन होती है ये अल्फा, और यहां पर ये पोजीशन होती है ये बीटा। अब जब आप रिएजेंट लेके आओगे तो रिएजेंट आप फिर से वही लेके आ रहे हो OH- और हीटिंग, तो हीटिंग और OH- सिंपल बता रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेगा, वो H हटाएगा, तो यहां पर बीटा H को रिमूव करता है। बीटा H को ही क्यों करता है, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां पर बीटा पोजीशन से H जाते ही ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और लिविंग ग्रुप यहां पर बाहर निकल जाएगा और फाइनली आपके पास यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर 1.2 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1.3 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास 1 और 3 पोजीशन पर H और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पर आपके पास क्या है, CH2 है, यहां Cl है, यहां O है, यहां H है। अगर मैं रिएजेंट की बात करता हूं तो फिर से आपके पास रिएजेंट का कंडीशन वही रहा होगा, तो सबसे पहले ये OH- क्या करेगा, इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पर आपके पास O- बनेगा, ये यहां पर अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल की अगर मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूं आपसे, तो एक और एग्जांपल होता है आपके पास, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां Br है, ऐसे ही यहां पर CH2 है, यहां Br है, और अगर हम क्या ले लें, जिंक डस्ट। यदि हम जिंक डस्ट ले लें,
तो यहां पर Br2 जिंक के साथ निकल जाती है और आपके पास एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये जो Br2 का निकलना होता है ये कहां से हो रहा है, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है अल्फा, ये कौन सी होती है बीटा और ये कौन सी होती है गामा। ये थोड़ा हटके है, यहां पर ये हटकर पार्ट क्यों है, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा गामा यहां से 1 और 3 पोजीशन, अल्फा को ही हम क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं, बीटा को 2 कह सकते हैं और गामा को 3 कह सकते हैं। तो 1 और 3 पोजीशन से Br निकल चुका है और आपके पास जो साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है वो ZnBr2 हुआ है और मेन प्रोडक्ट में ये साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारे पास सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस थी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें अपने इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे मेजर कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस किस पे स्टडी करना है। तो हमारे कोर्स में होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिस पे हमें बहुत अच्छा खासा समय बिताना है। तो अब मैं आपको एकदम डिटेल में डिस्कस करता हूं कि आखिरकार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए और इसके टाइप्स कितने होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो अगर हम सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके सबसे पहले टाइप्स को समझ सकते हैं कि आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि आखिरकार ये रिएक्शन है कि नहीं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम कहते हैं 1.2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है। आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सब्सट्रेट है CH2, यहाँ पर है H, CH2 और यहाँ पर लिविंग ग्रुप, और सामने आपके पास क्या है बेस है। मैं आपको एक जनरल रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर बेस है तो बेस से पहले आपको सब्सट्रेट को पहचानना पड़ेगा। सब्सट्रेट में क्या पहचानना पड़ेगा, सब्सट्रेट में आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है। ये जो पोजीशन है जहां पर लिविंग ग्रुप लगा है ये तो जीरो हो चुकी है और ये अल्फा है और ये बीटा है। तो सबसे पहली बात ये है कि वहां पर बीटा एच प्रेजेंट होना चाहिए सब्सट्रेट में, और दूसरी बात लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं जो कि आपको हमेशा हर सब्सट्रेट में लगने वाली हैं। अब लिविंग ग्रुप की जनरली हम अगर बात करते हैं तो हमारे दो चैप्टर्स में ही बात होती है, एक तो एल्किल हैलाइड और एक एल्कोहल बेस। तो अब यहां पर आपको बेस का रोल पता होना चाहिए। बेस क्या करता है, एसिडिक एच को रिमूव करता है, और यहां पर आपके लिए जो एसिडिक एच रिमूव है वो कौन सा है, बीटा एच है। हम लोग एक लाइन बोलते ना, बेस दुनिया में क्या करने आया है, एच प्लस खाने आया है, उसी लाइन को आपको यहां पर चलाना है। तो ये बेस क्या करता है, ये बेस इस एच प्लस को भगा ले जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होते हैं और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो फाइनली आपके पास इस तरीके से एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को समझना ही है तो हमें इन तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात, सब्सट्रेट कैसा होना चाहिए जिस पर बीटा एच और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। रिएजेंट में हमारे पास क्या होगा, बेस। मैं आपको एक जनरल जो बेस होते हैं उनकी बात कर दूंगा, और लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास है पूरी की पूरी कहानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब आखिरकार कि सर हमारे पास लिविंग ग्रुप कैसे हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो अगर हम यहां पर लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो लिविंग ग्रुप को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हैलोजन्स। जो भी आपके पास हैलोजन्स होते हैं, चाहे फ्लोरीन कहिए आप, क्लोरीन कहिए, ब्रोमीन कहिए या फिर आयोडीन कहिए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। एक तो हम यहाँ पर ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे और साथ में हमारे पास OH, या फिर अगर इन्हीं को मैं मॉडिफाई करूँ OTS या फिर OBS या फिर OTF, ये सारे ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ये भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर हम अपनी केमिस्ट्री को थोड़ा और स्मूथ बनाते हैं। कैसे, हम लोगों को आखिरकार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना कहाँ कहाँ है, तो हमें पूरी की पूरी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को दो जगह ही पढ़ना है। एक तो इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड, और एक जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास क्या है, एल्कोहल। अगर मैं एल्काइल हैलाइड में बात कर रहा हूँ तो एल्काइल हैलाइड में आपको दो रिएक्शंस पढ़नी है। एक सबसे पहली रिएक्शंस पढ़नी है आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब जनरली जो मैं इतना बड़ा नाम लिख रहा हूँ, इस नाम में ही मतलब छुपा होता है।
डीहाइड्रो मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन तो आप जानते ही हो, तो हम बोलेंगे यहां पर रिमूवल ऑफ एच एक्स, रिमूवल ऑफ एच एक्स। ऐसे ही हम एक और पढ़ेंगे यहीं पर डीहैलोजनेशन, और यहां पर डीहैलोजनेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन या रिमूवल ऑफ एक्स टू। तो हमें ये दो मेजर कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है इन केस ऑफ एल्काइल लेड, जहां पर हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। अगर मैं अल्कोहल में बात करता हूं तो अल्कोहल में हमें पढ़ना है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल ये पूरी केमिस्ट्री होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, अब इन दोनों ही पूरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E1। अब जिस तरीके से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम लोग वहां पर SN1 बोलते थे, जहां पर मैंने आपको पढ़ना सिखाया था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही हमारे पास उसी की तरह है, यहां पर E1 होता है, यहां पर E2 होता है, ऐसे ही हमारे पास E1CB होता है, और एक हमारे पास और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होती है EI। अगर मैं सभी के फुल फॉर्म की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये बातें समझ में आ रही है कि आखिरकार यूनिमोलिकुलर क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा खासा समय बिताया है सब्स्टिट्यूशन पे, और ये होता है हमारे पास बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमारे पास जो ये वाला पार्ट है E1CB वाला पार्ट है, इसका क्या होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। हम लोग जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा एकदम अच्छे से कि आखिरकार विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या ही रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास होता है EI को हम बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हैं जिनको हमें इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है। अब सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एल्काइल हैलाइड की सारी बातें कर सकें इसमें, या फिर हम अल्कोहल के अंदर ये सारी बातें कर सकें। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, क्यों ना हम सीधे E1 रिएक्शन को उठाते हैं और E1 रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड अल्कोहल को डालते हैं, ऐसे ही E2 रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल को डालते हैं, ऐसे ही E1CB और EI। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो कैटेगरी वाइज होगा। सबसे पहले हम E1 पढ़ेंगे, फिर हम E2 पढ़ेंगे, फिर हम E1CB पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे EI। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर अभी तक हम बात करें हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब सीखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन सीखे जिसमें हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आया, और फिर हमने बोला कि हमारे पास जो मेजर कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसको हम 1.2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और ये हमारे पास कुछ इसका क्या है, एक रफ तरीका है कि हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं E1 रिएक्शन, या इसको ज्यादा अच्छे से कहूं मैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं E1 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। देखो, E1 रिएक्शंस को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक जो सबसे पहला पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड के केस में, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल के केस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार एल्काइल हैलाइड में आपको किस तरीके से E1 रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक एल्काइल हैलाइड होता है जो कि 3° एल्काइल हैलाइड होता है, CH3, यहाँ पर आगे आपके पास CH3 और X। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपके पास ये क्या होता है, RDS स्टेप होता है, और RDS स्टेप बोले तो यही आपके पास क्या रहा है, स्लोएस्ट स्टेप है, जहां पर सबसे पहले स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है।
सबसे पहले आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, यहां से कार्ब कटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब कटायन के फॉर्मेशन के बाद यहां पर क्या होता है, बेस होता है, और वह बेस क्या करता है, यहां पर जो आपके पास एच प्रेजेंट है, इस एच को ये बेस ले जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और फाइनली आपके पास सेकंड स्टेप में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप आपके पास फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि किसी चार्ज स्पीसीज को ये न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इसकी ड्राइविंग फोर्स है। अब जिस तरीके से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अब मैं आपको बार बार एलिमिनेशन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा, उसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगा आने वाले समय में। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने SN1 रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही सीखा था, जहां पर सबसे पहले हमने क्या किया था, कार्ब कटायन का फॉर्मेशन किया था, फिर वहां पर बेस की जगह न्यूक्लियोफाइल होता था और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या करता था, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता था थ्रू SN1 मैकेनिज्म। इसमें बस चेंज यहां पर यह है, यहां पर बेस है जो कि एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहां पर एल्कीन बनाता है। तो अगर मैं यहां से यहां तक बात करता हूं, तो ये आपके पास क्या है, स्टेप वन है जहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन हुआ है, और यहां से यहां बात करता हूं तो ये आपके पास स्टेप टू है जहां पर आपके पास एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम इसको देखकर ये बोल सकते हैं, किसको, ईवन को देखकर, तुम कुछ कुछ SN1 जैसे लगते हो। बात समझ रहे हो, देखो हमें चीजों को पुरानी वाली चीजों से रिलेट करना जरूरी है, अगर रिलेट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ज्यादा समय तक चीजें याद रहने वाली हैं, ठीक है। तो हम दिमाग में रखेंगे कि E1 जो है वो कुछ कुछ SN1 जैसा लगता है, ठीक है, ये बात क्लियर एकदम अच्छे से। तो अब मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर निकालना चाहूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा, ये कितने स्टेप प्रोसेस है। तो हम सबसे पहला स्टेप ये बोलेंगे पॉइंट, ये है टू स्टेप प्रोसेस है। और अगर ये टू स्टेप प्रोसेस है तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में आपके पास कार्ब कटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, लीविंग ग्रुप मतलब निकल रहा है, और दूसरे स्टेप में एच एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी बात, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो अगर आप रिएक्शन को जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास मॉलिक्यूलरिटी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। अब इसी मॉलिक्यूलरिटी 1 की वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम यहीं पर तीसरी बात करते हैं कि जो आपके पास रेट है वो रेट किस पर डिपेंड करेगा, तो हमें पता है स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ ये एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, तो जो रेट डिपेंड करेगा वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करने वाला है। इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी को, ये बात एकदम अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि यहां पर ये रिएक्शन किसके थ्रू होकर जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जा रहा है, और वो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का हमारे पास नाम क्या है, कार्ब कटायन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कटायन है तो वहां पर इसके पास एबिलिटी है कि ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। तो यहां पर ईवन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट आप स्टार्ट लगा लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो मैंने जब SN1 जैसा कुछ बोला तो इसका मतलब उसकी जैसी सिमिलैरिटीज भी आ रही हैं, वहां पर भी कार्ब कटायन फॉर्म होता था, यहां पर भी हो रहा है, वहां पर भी रीअरेंजमेंट होता था, यहां पर भी हो रहा है, तो इस तरीके से। अब हम अगर सब्सट्रेट के रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा हमारे पास 3 डिग्री RX रिएक्टिव होता है, उसके बाद 2 डिग्री RX रिएक्टिव होता है, और फिर हमारे पास 1 डिग्री RX रिएक्टिव होता है। या अगर कोई और सब्सट्रेट हो जाए तो हम देखेंगे जहां पर कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, पॉइंट समझिएगा ध्यान से, जहां पर कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे अगर हमारे पास क्या आ जाए, बेंजाइलिक आ जाए और 3 डिग्री आ जाए, बेंजाइलिक हैलोजन और 3 डिग्री वाला आ जाए, तो हम बोलेंगे बेंजाइलिक वाला ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही हम लोग अगर लीविंग ग्रुप की एबिलिटी पर देखें तो RI है, RBR है, RCL है और RF है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो RI, RBR, RCL, RF। देखो इसमें क्या है? आपके पास जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन भी होने वाला है। तो ये बातें तो ज्यादा खास नहीं है, इतना कुछ इसको खास नहीं बनाती हैं। अब यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो E1 रिएक्शन होती है वो रिजियो सेलेक्टिव होती है।
E1 रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव। अब सेलेक्टिविटी हमारे पास तीन तरह की होती है, एक तो सबसे पहले रिजियो सेलेक्टिव हो गया, दूसरा हमारे पास कीमो सेलेक्टिव हो गया, और तीसरा हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। हम यहाँ पर रिजियो सेलेक्टिव का मतलब समझते हैं, मतलब रिजियो वर्ड रीजन से आया है, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना, रीजन को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन, रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन कहिए, या फिर आप इसी को कह सकते हो सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट। ये कुछ खास तरह के प्रोडक्ट हैं जो आपको अभी सामने दिखने वाले हैं, सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट। तो आपका सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि सर पहले तो हमें यही समझा दो कि सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद आप हमें समझाइएगा रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। तो देखो, अगर मैं सेडजेफ प्रोडक्ट से बात करता हूं तो हम बोलेंगे जो हमारे पास मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, इसी को हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो हमारे पास लेस एल्काइलेटेड एल्कीन है, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन, इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिस एल्कीन पर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारे पास होती है सेडजेफ प्रोडक्ट। और जिस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा एच लेस होते हैं वही हमारे पास होती है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब सवाल ये आ रहा है कब सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा, कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, क्या हमेशा ही सेडजेफ बनेगा, क्या हमेशा ही हॉफमैन बनेगा। इन सब बातों को सीखने के लिए हम लोग बात करते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। लेकिन उससे पहले याद रखना है E1 रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट की वजह से ही मैं आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सेडजेफ प्रोडक्ट समझ में आ गया, सेडजेफ प्रोडक्ट होता है जहां पर हमारे पास मोर एल्काइलेटेड एल्कीन हो या फिर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा हो। आपको मैंने जीओसी में बहुत अच्छे से जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था तब एल्कीन पर अल्फा एच कैलकुलेशन सिखाया था, ये वहां पर यूज होने वाला है बहुत अच्छे से। अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले उसको जाकर देखो, एक बार रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी इन केस ऑफ E1 रिएक्शन। सबसे पहले रिजियो सेलेक्टिव का मतलब समझते हैं, व्हेन इन अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्मड इन अनइवन अमाउंट, मतलब मेजर और माइनर में यदि आपके पास दो स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म होंगे तब वहां पर आपके पास रिजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब रीजन को सेलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है CH3 CH2 CHBr और यहां पर क्या है CH3 है, और सामने हम लोग लेते हैं रिएजेंट MeOH और यहां पर हीटिंग लेते हैं। MeOH क्या है, वीक बेस है और यहां पर हीटिंग कंडीशन मस्ट है। अगर हम हीटिंग कंडीशन को और अच्छे से डिफाइन करें तो मिनिमम 80 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। अब हम क्योंकि यहां पर E1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा CH+ और यहां पर आ जाएगा CH2 और CH3। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या कर दिया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब आपके पास क्या है, बेस है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो बेस है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इस एच को खा सकता है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, या फिर ये इस एच को खा सकता है, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। यदि यह बेस, मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर दिखाता हूँ, यदि यह बेस नंबर 1 वाले एच को खाता है तो अब आप खुद सोचो कैसा होगा, ये बेस नंबर 1 वाले एच को खाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां शिफ्ट होंगे आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जरा ध्यान से देखो, जैसे ही इस बेस ने इस H+ को खाया ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए
और यहां जैसे ही शिफ्ट हुए आपके पास इस एल्किन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जैसे ही आपके पास ये बेस नंबर टू वाले एच को खाएगा, जैसे इसको खाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा CH3CH2CH double bond CH2। तो अब आपके पास यहां पर दो प्रोडक्ट बन चुके हैं जो कि मेजर और माइनर कॉन्सेप्ट के साथ होंगे और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसे चेक करो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जितने कार्बन यहां है उतने ही कार्बन यहां है, जितने हाइड्रोजन यहां है उतने ही हाइड्रोजन यहां है, जो फंक्शनल ग्रुप यहां होगा वही फंक्शनल ग्रुप यहां है, इन्हीं को तो कहते हैं आइसोमर। और क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज है तो इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब सवाल यह है कि दोनों में से हमारे पास मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, तो जरा आप ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन होती है क्या होती है, जीरो। ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर आपके पास अल्फा एच कितने हो चुके हैं, अल्फा कार्बन पर ही तो अल्फा एच होते हैं, यहां पर आपके पास 6 अल्फा एच हो चुके हैं। इस वाले केस की बात करते हैं, बताओ ये वाली पोजीशन डबल बॉन्ड वाली क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाला आपके पास अल्फा कार्बन, तो यहां पर सिर्फ आपके पास अल्फा एच कितने हैं, दो। ध्यान से, आपको अल्फा एच कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है दिक्कत तो जीओसी में जाइए, हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक पढ़िए। अब खुद सोचो, यहां पर अल्फा एच 6 है, यहां पर अल्फा एच 2 है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, मेजर है, ये हमारे पास लेस स्टेबल एल्कीन है, और इसी वजह से हमारे पास ये क्या है, माइनर है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? और मैंने आपको बताया था जहां पर अल्फा एच ज्यादा होते हैं उसी एल्कीन को हम लोग बोलते हैं सेटजेफ एल्कीन, या मोर एल्काइलेटेड एल्कीन को ही हम क्या बोलते हैं, सेटजेफ एल्कीन, और जहां पर अल्फा एच कम होते हैं उसी एल्कीन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन या फिर लेस एल्काइलेटेड एल्कीन। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो कि इवन मैकेनिज्म के साथ है उसमें सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो बहुत अच्छे से कि जो इवन मैकेनिज्म होती है या इवन रिएक्शन होती है इसमें हमेशा हमेशा और हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन जब हम E2 मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर बने, वहां पर कुछ और सेट ऑफ कंडीशंस होंगी, कुछ और बातें होंगी जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बातें करेंगे। तो इसीलिए जो इवन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रेजियो सेलेक्टिव होती है। तो अब आपको रेजियो सेलेक्टिविटी का कांसेप्ट समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हर किसी से बनता भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको इसको समझाने में। सबसे पहले आपको एक बार ट्राई करना है। देखो सबसे पहले यहां पर क्या बनेगा आप बताओ, मैं आपको E1 की बात कर रहा हूं, तो अभी आपको E2 के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आप E1 की बात करोगे तो E1 में आप यहां पर क्या सोचोगे, आप E1 में सबसे पहले यहां पर सोचोगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, लो करवा दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाएंगे। जैसे ही आपने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाया, क्या यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? अब ये सेटजेफ हॉफमैन के चक्कर में रीअरेंजमेंट को नहीं भूलना है, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं तो गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो अगर हमने यहां पर कार्बोकैटायन बनाया है तो यहां पर हमारे पास 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। अब 1.2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से क्या होगा, पहले आपके पास ये 1 डिग्री है, लेकिन जैसे ही मैं एच यहां पर लेके जाऊंगा ये आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये यहां पर हमने क्या करवा दिया, रीअरेंजमेंट करवा दिया। अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे और सेटजेफ हॉफमैन का कांसेप्ट लगाने की कोशिश करोगे गलतियां हो जाएंगी। जैसे ही आपने ये करवाया तो अब आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया। अब बेस के सामने क्या-क्या चांसेस हैं, ये वाली एक तो इस वाले एच को हटा सकता है, इस वाले एच को हटा सकता है, या फिर इस वाले एच को हटा सकता है। यहां पर 3 एच हैं जिसमें से 2 तरह के एच हैं, एच तो 3 है लेकिन 2 तरह के कौन सा, एक तो आपके पास इसको नंबर 1 कह दो और इसको नंबर 2 कह दो, और ये दोनों ही आपस में क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे यदि हमारे पास बेस ने नंबर 1 एच हटाया, तो अब आप खुद सोचो नंबर 1 एच हटाने पे कैसी एल्कीन बनेगी, ऐसी बनेगी, देखो ध्यान से, इस एच को हटाया ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। यदि बेस ने नंबर 2 एच को हटाया और नंबर 2 एच हटाने पर आपके पास कुछ इस तरीके की एल्कीन बनेगी। अब मेरा सवाल,
बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो जब भी मेजर वाली बात आए आपको क्या करना है, सेट जे प्रोडक्ट सोचना है, और सेट जे प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा एच को देखते हैं। तो ये वाली पोजीशन क्या है आपके पास, देखो जरा ध्यान से, जीरो यहां पर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, दो दो चार और तीन सात, यहां पर अल्फा एच कितने हैं, सात हैं। ये आपके पास यहां पर अल्फा एच कितने होंगे, ये वाली पोजीशन जीरो, अल्फा अल्फा, तो यहां पर अल्फा एच कितने हैं, चार हैं। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मेजर है, और यही हमारे पास क्या है, सेट जे प्रोडक्ट है, और सेट जे प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या होता है, मेजर होता है इन केस ऑफ इवन मैकेनिज्म। तो अभी तक हमने इवन के बारे में इन केस ऑफ एल्किल लाइट पूरी बातें कर चुकी हैं, अब हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे और फिर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे किस तरीके से इवन मैकेनिज्म के थ्रू होकर जाता है।